ये कहानी है एक सपने की, एक बुनियाद की, एक परिवार की। ये कहानी है सेफ शॉप की, जिसने न जाने कितने भारतीय परिवार और लोगों को आर्थिक संपन्नता दी, उनके साथ भी और उनके बाद भी। भारतीय समाज का वो स्तंभ बनकर उभरा, जिसने लाखों लोगों के चेहरे पर खुशियां बिखेरी। बदलते हुए परिवेश में आय का एक ऐसा सशक्त माध्यम बनकर निकला, जो सिर्फ उनके साथ होने पर परिवार को आर्थिक आजादी देता है, बल्कि परिवार के मुखिया के ना होने पर भी बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखता है और उनके परिवार की जरूरतों को पूरा करता है। ये कहानी भी एक ऐसे शख्स की है जो एक आर्मी का जवान रहा। ये कहानी है एक आदर्श पुत्र की। ये कहानी है एक प्यारी सी बेटी के पिता की, यारों की यार और एक मार्ग दर्शक की, जो आज भी अपनी टीम और सेफ शॉप की वजह से अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। ये कहानी है संजय पाठक की। शिमलापल बंकुरा पश्चिम बंगाल का एक जिला। जहां खेतों में खेती करते संजय के पिता श्री वासुदेव पाठक अपनी पत्नी श्रीमती शिवानी पाठक के साथ रहते, इन्हीं के घर 2/1/1985 को जन्म हुआ संजय का। अपनी चार बहनों के साथ वो अपने पिता का एकमात्र सहारा और इसी वजह से जिम्मेदारियां बचपन से ही संभालना शुरू कर दी। पिता के साथ खेतों में खेती करते तो कभी पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते। गांव के मदरिया प्राथमिक विद्यालय से प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत हुई और पुतिदा हाई स्कूल से 10वीं तक की शिक्षा ली और पंचमुरा महाविद्यालय से आगे की पढ़ाई करने लगे। 12वीं पास की ही थी कि आर्मी की भर्ती देखने लगे। मेहनती संजय को किस्मत का साथ मिला और पहले ही प्रयास में इंडियन आर्मी में चयन हो गया। अपनी आंखों में देश सेवा का जज्बा पाले संजय जब भी घर वापस आते तो अपने साथ खुशियां भी लाते। इस बार छुट्टियों पर जब वो घर आए तो खुशियां घर पर इंतजार कर रही थी। 6 जून 2009 को जब संजय की शादी सोमा से हो गई, सोमा ने जिंदगी में प्रवेश किया, साथ फेरे ले उनके रंग में रंग गई। 2 साल जिंदगी के कब गुजरे पता ही नहीं चला। 2011 में संजय एक प्यारी सी बेटी श्रेया के पिता बने। परिवार और नौकरी की डोर थामे कब जिंदगी के साल गुजर रहे थे पता ही नहीं चलता। बेटी की याद जब भी आती संजय को अपने घर की याद आने लगती, पर नौकरी समय से बांध रही थी। इसी समय सीमा को तोड़ने के लिए उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग की अग्रणी कंपनी सेफ शॉप को ज्वाइन कर लिया, जहां उन्हें लगा कि अपनी जरूरतों के साथ अपने परिवार के लिए समय भी कमाया जा सकता है। अब सेफ शॉप में प्रयास करने लगे, पर नौकरी में समय कम और दूसरा मार्केटिंग का कोई तजुर्बा नहीं, तो हिम्मत हारने लगे। जलना बुझना बुझ के जलना, मरना जीना मर के जीना, मांगने वाली चीज नहीं है मौका उसका जिसने जीना। गिरना उठना उठ के चलना, चढ़ जा अंबर जीना जीना, याद रहे ये शर्त सफर की, पीछे मुड़ के देख कभी ना। जीत का जुनू है तो हार सोचना। पर अपलाइन ने गाइड किया और सेफ शॉप की ट्रेनिंग लेना शुरू किया। अपने बचपन के मित्र सिसिर नायक से फोन पर बात हुई और उन्हें ज्वाइन कर लिया, पर पत्नी सोमा सेफ शॉप को लेकर बड़ी ही परेशान थी। वो उसे बेकार का काम बताती, संजय बाकी लोगों को टीम का प्लान बताते। कुछ और प्रयास के बाद कुछ लोग साथ आने लगे। संजय ने अपनी टीम के साथ काम करना शुरू किया ही था कि उन्हें बीमारी ने ग्रसित कर लिया। वो बीमारी थी कैंसर की। अब संजय हताश थे, बार बार उन्हें अपने बेटी और परिवार के भविष्य की चिंता सताने लगी। इसी समय उन्हें सेफ शॉप की अहमियत का पता चला कि ये व्यवसाय उनके बाद
उनके परिवार के सदस्य को दिया जा सकता है। तो उन्होंने अपनी बीमारी के बावजूद भी सेफ शॉप को करने का निर्णय लिया और सेफ शॉप के अलावा उन्हें कुछ याद ही नहीं रहने लगा। अपनी बेटी के भविष्य को सुरक्षित रखने का इरादा उन्हें टूटने नहीं देता। समय बहुत ही कठिन था जब संजय बिस्तर से उठने में भी असमर्थ थे, पर वो दिन रात अपनी टीम को मार्गदर्शित करते रहते। 2017 को संजय इस दुनिया से चले गए। अपनी बेटी, अपनी पत्नी, अपने माता पिता और सेफ शॉप को छोड़कर। गल्ला तेरिया तो लगदा यार मेरा ते कोई है नी तेरे बिन, तेनू मिल जाना किस दा सहारा वे तू मैनू छड़ जाना। गल्ला तेरिया तो लगदा यार। पर तब संजय लगभग 600 लोगों की टीम बना चुके थे। इस टीम ने अब निर्णय लिया कि इस कार्य को आगे बढ़ाते रहेंगे। तब ग्रेवाल सर और विश्वास सर ने टीम को संभाला और संजय की पत्नी सोमा पाठक को भी ट्रेनिंग के लिए प्रेरित किया। सोमा ने जब दिशा ट्रेनिंग ली तो सेफ शॉप के लिए एक संकल्प लिया और सोमा भी टीम के साथ आ गई। अच्छा लगा क्योंकि मेरे को सुगर है, ब्लड सुगर है, मेरा दो टाइम इंसुलिन लेना पड़ता था, होता था। इसने क्या किया, मैंने डायबिटल ले लिया और मैं दो टाइम जो इंसुलिन ले रहा था वो बंद कर दिया। आज का जो इंसुलिन लेने से ना लेने से क्या था, स्किन का प्रॉब्लम हो रहा था। तो आज अभी डायबिटल लेकर मेरा शुगर भी लेवल कम हो गया और मेरा स्किन भी ठीक हो गया। मैं पहले कॉलगेट यूज़ करता था, कुछ नहीं होता था। तो मैं जब ये सुना और मैं यूज़ करने लगा तो मैं देखा मेरा जो मुंह में जो दाग जो निकल गया, मेरा दांत बहुत ठंडा खाने से बहुत दांत का विषय भी चला गया। तो इसलिए मैं कंटिन्यू अभी ले रहा हूँ और मेरा परिवार सब लोग ये यूज़ करती है। आज यही सेफ शॉप, यही टीम उन्हें और उनके दिवंगत पति संजय पाठक को डायमंड लीडर के सम्मान से सम्मानित कर रहा है। उनके परिवार और संजय की बेटी को आर्थिक संपन्नता दे रहा है। सेफ शॉप इंसान के खुशियों की चाबी, जो परिवार को सुरक्षा और सिक्योरिटी दे, आपके साथ भी और आपके बाद भी।